सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। तो गाइस आज का जो टॉपिक है, मैं इसमें बताऊंगा कि आप कैसे नियॉन टेट्रा को ब्रीड कर सकते हैं इन इजीएस्ट वे में बताऊंगा। और ये वीडियो हॉबिस्ट के लिए बहुत इन्फॉर्मेशन देगा ये वीडियो आपको, तो वीडियो को पूरा देखना। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वेलकम टू एक्वा स्टेशन माय यूट्यूब चैनल। गाइस मैं इस चैनल में फिश रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ आप लोगों को, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हाउ टू ब्रीड नियॉन टेट्रा इन अ इजीएस्ट वे, ये आज का वीडियो का मेरा टॉपिक है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फिश इन्फॉर्मेशन, नियॉन टेट्रा इज़ अ वेरी हार्डी फिश, मतलब ये जो फिश है बहुत हार्डी टाइप का होता है एंड बिगिनर्स के लिए बहुत एक अच्छा चॉइस है। एंड ये एक ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर फिश है। हॉबीज मेनली कीप दिस फिश, मतलब प्लांटेड टैंक में रखते हैं बिकॉज ऑफ इट्स ब्लू कलर एंड दे लुक फेबुलस इन प्लांटेड टैंक। ब्लू कलर की वजह से ना वो अच्छा लगता है प्लांटेड टैंक में। एंड दिस फिश इज हार्ड टू ब्रीड, सो यू हैव टू कीप अ स्मॉल, मतलब आपको ज़्यादा मछली रखना पड़ेगा एक्वेरियम में इस फिश को ब्रीड करने के, मैंने ब्रीड करना चाहते हैं तो ज़्यादा मछली रखना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये फिश हार्ड है ब्रीड करने में, आसानी से ब्रीड नहीं होता, तो आपको ज़्यादा फिश रखना पड़ेगा। तो आज का वीडियो का स्टेप वन है कंडीशन योर टैंक वाटर 10 to 20 gallon फॉर 10 to 12, मतलब 10 to 20 gallon के लिए आपको 10 to 12 फिशेज रखना पड़ेगा, ये मिनिमम है। तो और हाइडिंग प्लेस रखिएगा और लाइव प्लांट्स और गुड फूड अपना फिश को खिलाने से अच्छा ब्रीड करते हैं। तो टेम्परेचर आपको चाहिए 21 to 26 degree centigrade, वाटर पीएच चाहिए 5.5 to 7.5 विच मीन सॉफ्ट टू मीडियम। एंड ये फिश मैक्सिमम साइज 1.5 तक रीच कर जाता है, ये इसका मैक्सिमम साइज है। और आप फीड में इसको दे सकते हैं 2 times दे सकते हैं मॉस्किटो लार्वा, ब्राइन सिम, एग यक। तो आप वीडियो में देख सकते हैं ये मॉस्किटो लार्वा और ब्राइन सिम है, तो ये मतलब ब्रीडिंग करने में हेल्प करता है, ऐसे फूड खिलाने से, लाइव फूडिंग देने से ब्रीड करने में हेल्प करता है। एंड नियॉन टेट्रा इज अ फ्रेश, जैसे कि आप लोगों को पता है नियॉन टेट्रा फ्रेश वाटर फिश है। एंड स्टेप टू वाटर टेस्ट, यू हैव टू चेक द एवरीथिंग, मतलब आपको वाटर पूरा चेक करना पड़ेगा क्या उसमें अमोनिया लेवल हाई है, तो हाई है तो फिश ब्रीड नहीं करेगा, उसको मतलब नॉर्मल रखना पड़ेगा अमोनिया लेवल को। और टू अवॉइड दिस यू हैव टू चेंज 25% ऑफ द वाटर एवरी, मतलब आपको 25% में चेंज करना पड़ेगा, मतलब 1/4 वाटर आपको चेंज करना पड़ेगा एवरी वीक। स्टेप 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, द मेल विल चेज द फीमेल बाई स्विमिंग अराउंड हर, द फीमेल इज रिकॉग्नाइजेबल बाई हिज लार्जर बेली विच शुड बी फुल ऑफ एग, मतलब आप फीमेल को आसानी से समझ सकते हैं, जब जो मोटा होता है मतलब जो फैटी होता है वो फीमेल होता है, उसका तो अंडा रहता है ना पेट में, इसलिए वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है और मेल तो चेस करेगा फीमेल को, ऐसे ही आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आफ्टर दैट द फीमेल विल ले द एग एंड मेल विल फर्टिलाइज द एग एंड प्रोटेक्ट, मतलब एक मतलब अंडा देने के बाद मेल उसको फर्टिलाइज करेगा और उस एग को प्रोटेक्ट भी करेगा जब तक बच्चा हैच नहीं हो जाता है। तो अब फोटो में देख सकते हैं द एग ऑफ द नियॉन टेट्रा दिखा चुका हूँ मैंने इस फोटो में, वाइट इस कलर का वो एग है। एंड उसके बाद आपको सेपरेट करना पड़ेगा द फीमेल आफ्टर द एग भी, मतलब जो एग लेड हो जाएगा तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा फीमेल को, बिकॉज फीमेल मतलब खाना स्टार्ट करेगा, मतलब आपने ही एग को खाना स्टार्ट करेगा, मतलब स्ट्रेस की वजह से ना वो अपने आप ही अपने एग को खाना स्टार्ट कर देगा। और 3 दिन के बाद जब एक 3 दिन के बाद जब एक हैच हो जाएगा देन सेपरेट द मेल, मतलब एक हैच होने के बाद मेल को भी सेपरेट कर देना एक दूसरे टैंक में, वो अच्छा होता है सेपरेट करने से, मतलब वो तो एक तो हैच हो गया तो फ्राई अपने आप ही खुद का टेयर मतलब टेक केयर कर सकते हैं। एंड स्टेप 4 है फ्राई केयर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप फ्राई को डेली 2 times फिट करिए, द फ्राई डफनिया भी देख सकते हैं, क्रश प्लेट भी दे सकते हैं, ब्राइन श्रिम्प और एग यक भी दे सकते हैं, ब्राइन से आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा और डफनिया में दूसरे वीडियो में बता दूंगा आप कैसे कल्चर कर सकते हैं डफनिया, वो भी मैं बता दूंगा। एंड एवरी वीक चेंज 30% ऑफ वाटर, मतलब हर वीक आपका मतलब 30% वाटर चेंज करना पड़ेगा, जो फ्राई जिसमें रह रहा है ना उसका 30% वाटर चेंज करना पड़ेगा, तो मॉर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा बिकॉज एमोनिया डिक्रीज हो जाएगा तो मत जल्दी नहीं मरेगा, तो ये भी एक अच्छा है। और गिव द हाइडिंग प्लेस, मतलब फिश को हाइडिंग प्लेस देना और लाइव प्लांट भी देना, तो आप उसको ऑक्सीजन मिलता रहेगा लाइव प्लांट से। एंड आफ्टर 2 months इफ द बेबी, मतलब जब आफ्टर 2 months के बाद जब
बेबी बड़ा हो जाएगा तो उसको टैंक में छोड़ सकते हैं, वो आपको ऊपर डिपेंड करते हैं कितना बड़ा होगा, आप कितना अच्छे से केयर करेंगे, तो ये भी एक मतलब आपको ऊपर निर्भर करता है। और माय एडवाइस है, इफ़ यू आर बिगिनर प्लीज़ डोंट ट्राई टू ब्रीड, मतलब आप अगर बिगिनर्स है तो नियॉन टेट्रा ब्रीडिंग करना मतलब मत करिए, बिकॉज ये डिफ़िकल्टी है ब्रीडिंग करने में, तो मत करिए इस फिश को ब्रीडिंग आप बिगिनर है तो। तो आप इस भी मतलब आप लाइव बेयर का भी ब्रीडिंग कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट ब्रीडिंग लाइव बेयर बिकॉज एनी वन कैन ब्रीड, मतलब ये ईजी होता है ब्रीडिंग करने में। लाइव बेयर मतलब मॉली गप्पी इस टाइप का फिश का ब्रीडिंग कर सकते हैं, वो ईजी होता है बिगिनर्स के लिए, तो आप उस टाइप की ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए वीडियो इतने तक ही, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर।